Then students, today we will start exercise 6.4 and next exercise we have to study about the square roots by division method. ठीक है, यानी कि exercise में हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर का हम square कैसे निकालें by the division method. ठीक है, ये method क्या होता है, बहुत easy method होता है और बड़े से बड़े numbers का square हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं. तो division method क्या था, क्या है, जैसे हम लेते हैं number छोटा सा 64. इसका कोई स्क्वायर आपको सबको पता होगा कि होता है 2D नंबर का लगभग आप लोगों को क्या होगा, आपको स्क्वायर दिया जाता है. अगर आप लेते हैं 169, इसका स्क्वायर निकालना अगर आपको याद ना हो तो डिवीजन मतलब कहता क्या है कि 169 ले लिया. ठीक है, इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो लेफ्ट से हमेशा क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाए, क्योंकि स्क्वायर दो दो का पेयर क्या करेंगे, इधर से दो दो का पेयर बनाएंगे. 2 का पेयर बन गया, इसमें पेयर नहीं है क्योंकि 3D नंबर है. 2 का पेयर इधर से क्या करेंगे, पेयरिंग जो होगा इस साइड से स्टार्ट करेंगे, दो दो का पेयर हम बनाते हुए चलेंगे. दो दो का पेयर बनाने का हमें करना क्या है कि जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 जब है तो हमें जिस नंबर से इस नंबर को हमें काटना है तो याद रखिए हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सेम नंबर से, मतलब उसके स्क्वायर से, अगर 1 से करते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ऊपर क्या होगा, अगर कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई भी होकर काटने के लिए करते हैं नीचे भी 2 होगा, मतलब सेम सेम नंबर है कि स्क्वायर नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना. तो चूंकि यहाँ पे क्या है 1 है तो 2 या 4 हो जाएगा, 1 जब 1 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 हो गया और जिससे मल्टीप्लाई करें ऊपर लिखेंगे, ये डिसाइड होती है उसको हम प्लस करके हो जाते हैं. तो 1 क्या हो जाएगा 2 और 1 जब क्या आया, यहाँ पर 1 जब 1 आ गया, तो जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं उसको माइनस करते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा, यहाँ पे 6 और 9 बच गए. ठीक, और ये 1 + 1 क्या होगा, 2 हो गया. अब हमें क्या देखना है, ये आपका 2D नंबर होगा 69, हमें 69 लाना है और यहाँ 2 है. अब क्या करते हैं, इसमें इसके आगे जो नंबर लिखेंगे अगर 1 लिखेंगे तो नीचे भी 1 लिखेंगे, यानी कि 21 हो जाएगा या 1 मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि जब भी इसमें नंबर लिखेंगे इसके आगे तो 2D हो जाएगा और नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर 2 लिखते हैं 22 = 44 ये कटेगा नहीं, सभी छोटा है, एक नंबर और ट्राई कर सकते हैं. तो क्या कर लेंगे, उसके बाद 3 चेक कर लेंगे, 3 × 3 कर लें. ठीक है, यानी कि जिस नंबर को ऊपर लिखेंगे उसी नंबर को नीचे भी लिखेंगे, जैसे इसमें करता है बस, यानी कि स्क्वायर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्क्वायर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे. तो हमने क्या लिखा, 2 पहले से हमें ऐड करने का आया था, 3 ले लिया, 3 नीचे भी लेना पड़ेगा और 3 यहाँ पर ले लिया. ठीक है, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 6 अब क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, उसके आगे इसमें 0 आ गया, जिस कंडीशन पे 0 आया है अब इसके बाद कोई नंबर नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, तो जो ये नंबर होता है, ये नंबर क्या होता है, यही होता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है. ठीक है, और किसका, आपको क्या है, 169. ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 40. एक नंबर और ले लेते हैं. ठीक है, वो नंबर आपको क्या ले लें, अगर 1764 लिख देते हैं. ठीक है, हमें 1764 का स्क्वायर निकालना है. 1764 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या बताया है, इधर से दो दो नंबर क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, इधर से दो नंबर बन गया, इधर से दो नंबर बन गया, एक नंबर बचा नहीं, यानी 4D इधर 2 नंबर का लेफ्ट साइड से पेयर बनाते जाएंगे. अब क्या बताया, और हमने ये बताया कि जो आपका ये दो एक ही नंबर था, 1 2 बनता था, जिसमें क्या है, 70 है. ठीक है, अब 70 कैसे लाएंगे, अगर हम 3 × 3 करते हैं 3 × 9 बनता है. ठीक है, कम हो जाएगा, 4 से चेक कर लेते हैं, 4 × 4 = 16 और 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25 क्या है, ज़्यादा वैसे होते हैं तो हम क्या करेंगे, 4 से चेक करेंगे, तो 4 × 4 करेंगे और उधर क्या लिखेंगे, 4, ये ऐड होता है, 4 × 4 = 16. ठीक है, ये जो होगा माइनस फोर क्या बचेगा, 17 में से 16 जाएगा, 1 बचेगा और 4 × 4 क्या होगा, 1 आएगा. और ये जो है पेयर है, पेयर निकलेगा 64 के साथ कर जाएगा, जो पेयर में आता है पेयर में करता है. ठीक है, 64 एक साथ कर जाएगा. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है और 164 है, यहाँ पर 81, अगर इसके सामने 1 लिखते हैं नीचे 1 लिखेंगे तो 81 हो जाएगा. ठीक है, अगर इसे हम क्या करें, 2 से चेक कर लें 2 × 4 = 2 × 16 मतलब डिवाइड हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा 2 हो जाएगा और ये जो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0 0. जिस भी कंडीशन पे 0 आता है उसके बाद डिवाइड हो गया, डिवाइड 0 हो गया, ये जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, 17464 का ज
जब ये स्क्वायर भी करेंगे तो 42 हो जाएगा। इस तरीके से क्या निकल रहे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर बोले आपको 841 इसका स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वही मेथड दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक, दो दो का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 करेंगे क्योंकि 3 9 हो जाएगा। 2 से 2 करें 2 4 ये प्लस हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब ये माइनस करेंगे तो 4 4 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या हमेशा पेयर में ये बताया जाता है। अब ये 441 हो गया 4 हो गया। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं हमारे तो 41 होगा, 40 हमें चाहिए 441 चाहिए। तो हमेशा देखेंगे लास्ट 1 है ना, तो किस में किसी को बताया था 1 और 9 के स्क्वायर में लास्ट में यूनिट को बनाना है। यानी कि यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार सीधे 9 से चेक कर लेंगे। हाँ जी, चेक कर लीजिए। 9 से अगर चेक करते हैं तो 9 9 81 1 8 9 36 है 42 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा यानी कि 841 का जब स्क्वायर निकालेंगे क्या आ जाएगा। इस तरीके से क्या करेंगे हम जो स्क्वायर निकालना होता है डिवीजन मेथड से वैसे निकाल लेंगे। अब आते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, लेकिन वो नंबर क्या है वो डेसिमल में भी होगा, कैसे निकालेंगे तो डेसिमल के लिए देख लीजिए कैसे निकालते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 1764 जो है इसको निकाल लेता हूँ या इसको चेक करके देख लेते हैं 960 इसका स्क्वायर निकलता है नहीं निकलता है। देखिए दो दो का पेयर बनाया, इसमें क्या करना है 04 हो गया 96। अब ये 96 से स्क्वायर निकल क्या करेंगे 8 8 64 9 9 81 100 100 चाहिए 9 9 क्या हो गया 81 आएगा कम आएगा 8 से क्या कर लेंगे ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 8 64 8 क्या हो गया 16 हो गया माइनस करेंगे 6 में से कौन जाए क्या हो जाएगा 2 और ये 2 बच गया यहाँ पे लेंगे 0। ठीक है, तो 4 आने का एक जब 22204 हो गया यहाँ पर 16 हो गया। अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है और 4 आने का क्या होता है 8 का स्क्वायर यूनिट 4 होता है। तो अगर हम 8 से चेक करते हैं 1 6 8 अगर 8 से चेक करते हैं 8 8 64 और 4 कैरी 6 8 6 जा 48 48 6 और सिक्स क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब क्या हो क्या बचा 5 8 1 8 5 40 हो गया, ये भी कम आ रहा है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं अगर यहाँ पे 01 ले लें और 1 ले लें तो क्या हो जाएगी 01 ले 1 ले लें 1 1 1 1 0 0 6 आ जाएगा कम ही पड़ रहा है। अगर यहाँ पे 2 लेके देख लें तो क्या हो जाएगी 2 2 4 हो जाएगा 2 0 0 और 16 2 32 हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा नाम में हमें ज़्यादा होता है देख करना 1 से कर लेंगे तो क्या करेंगे इसको 1 लिख लेंगे। अब क्या होगा इसे माइनस करेंगे ये क्या बचेगा 3 बचेगा 0 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 6 बचेगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा इसको प्लस करेंगे अब ये क्या हो गया ये ज़्यादा हो गया ये क्या होगा हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा नहीं यानी कि जो आपका नंबर है 9604 ये क्या है एक बार फिर इसका नंबर नहीं। ठीक है, पर फिर इसका नंबर कौन सा होगा अगर यहीं पे 3204 को हम चेक करें। ठीक है, तो अगर 32 है फिर भर लीजिए 3204 चेक कर लेते हैं ये होता है नहीं होता है ये 6 का 36 हो जाएगा तो 5 ले लेते हैं 5 ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, 5 5 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा 5 का 13 होती है क्या बचेगा 704। अब ये 4 लाना है या तो 2 में आता है 8 में आता है अगर 8 से करेंगे 8 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से कर लेते हैं 7 से 49 और 7 से 7 ये भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 7 ही होगा 6 से चेक कर लेते हैं 6 6 36 6 1 6 अगर माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 112 हो जाएगा और जब इसको डिवाइड माइनस करेंगे 40 में 6 जाएगा 8 9 में 3 जाएगा 6 16 बच गया इसका भी रिमाइंडर बच गया। ठीक है, ये भी क्या होगा ये
ये भी प्रतिदोष का नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब निकालो 75 पॉइंट में आ जाए, इस तरीके से क्या है हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का नहीं होगा डिवाइड आएगा तो स्क्वायर रूट वो नहीं होगा उसका। वन थ्री टू टू फाइव अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो लिखे बताए इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1 3 2 2 5, टू का पेयर, टू का पेयर वन प्लस पेयर, ठीक है, ऐसा लाइन खींच लिया हमने, ये इसका पेयर नहीं बना, तो वन है वन के हो गया है, वन वन जो वन ये दोनों ऐड होगा वन हो जाएगा और क्या हो जाएगा टू हो जाएगा और ये माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास 32 मिलेगा, ठीक है, 32 बन गया। अब 32 काटना है तो टू के बाद हम वन लेते हैं तो 21 21, ठीक है, टू लेंगे क्या हो जाएगा टू जीरो 42 हो जाएगा अधिक हो जाएगा, तो क्या लेंगे यहाँ पे भी वन लेंगे, वन लिया वन 21 बन जाए 21 माइनस करेंगे टू किस बन जाएगा वन और थ्री किस बन जाएगा वन, लेवल बच गया और उसको ऐड कर लेंगे 42, अब क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, लास्ट में 5 है वैसे 5 से भी जाएगा 5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 5 25 5 12 5 12 प्लस 1, इसको माइनस कर लेंगे यहाँ 5 जैसे माइनस करेंगे क्या हो जाएगा जीरो आ गया, इसीलिए तो जीरो आ गया, ये आपका क्या हो गया जो स्क्वायर का हो गया वन वन, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। और इसी में अगर हम डेसिमल का दे दें, ठीक है, सब कुछ वही है, अगर डेसिमल दे दें 6.25, ठीक है 6.25 दे दें, इसका मतलब क्या निकल गया स्क्वायर रूट का, कुछ नहीं करना सब कुछ वैसे ही रहेगा, दो दो का पेयर बनेगा, ठीक है 6 है तो 2 से 2 से करेंगे 2 जब 4 होता है 2 टाइम हो जाएगा 2 जब 4, ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे ये 4 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा 2 पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा 2 5 हो गया और यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट प्लस अब कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 है तो 5 5 25, तो 5 कैरी 2 5 हो गया 20 प्लस 2 22, माइनस कर लेंगे, ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ गया, अभी क्या हो जाएगा 0 हो गया माइनस करने के बाद, ठीक है, तो डेसिमल का भी कोई इशू नहीं है, जहाँ पर डेसिमल है डेसिमल लगा के क्या करेंगे इसको हम स्क्वायर निकाल लेंगे, और जैसे ही डेसिमल जो नंबर यूज करेंगे तो ठीक खत्म हो गया डेसिमल लगा डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 6.25 को जो स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है, ऐसे निकालिए या आप 6.25 है इसको आप चेंज करके क्या कर सकते हैं डेसिमल जितना होता है 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 625 का मान इसको क्या ले सकते हैं 100 ले सकते हैं, ठीक है, तो 625 का ऐसे निकाल लीजिए तो कैसे होगा 625 का 25 होता है, ठीक है, और जब 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 10 होता है 10 का 10 करके 100 जितना 0 होगा अगर 1 0 0 0 0 इतना 6 0 और उसका स्क्वायर निकालेंगे क्या करेंगे कितने 0 है 2 पेयर बना 0 का, ठीक है, 2 पेयर बन गया 1 का रूट 1 होता है और उसमें क्या निकलेगा 1 पेयर का 0 1 पेयर का 1 0 1 पेयर का 1 0, ठीक है 1 2 3 0 0, ठीक है, अगर आपका लिखा है 60 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 हमारे दो ऐसे स्क्वायर निकल गए कोई इशू नहीं है, 0 0 का क्या होता है स्क्वायर जब दो दो पेयर में एक पेयर निकल जाएगा और 60 का स्क्वायर हमें पता है 4 4 16 इसका 4 निकलेगा और इससे क्या हो जाएगा 1 0 स्क्वायर का 1 0 स्क्वायर का 400 हो गया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर 0 0 है नंबर से निकाल के सीधे क्या करेंगे 0 0 लिख देंगे जितना 0 होगा 0 में से क्या फंक्शन होना चाहिए कि वो इवन नंबर में हो, यानी 4 हो 2 हो 6 हो 8 हो 8 होगा तो 4 0 निकलेगा 6 0 होगा सामने तो 3 0 निकलेगा पेयर में, ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम डेसिमल का और ऐसे डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने बताया है आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो इसके बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे 6.4 के इसको कम्प्लीट करिएगा, ठीक है, और आगे पढ़ते रहिए, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, जय हिंद।